हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे लेंस में आपके जो अलग अलग प्रकार के लेंस हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, उनके हमने रे डायग्राम देखे थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसके बाद हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जाना था कि लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि जब हम मिरर की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ आपका माइनस साइन लग जाता है। यहाँ पे वी अपॉन यू होता है, वहां पर -V/U। इसके बाद अब हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला यानी लेंस सूत्र की। तो लेंस सूत्र क्या है? जैसे हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा लेंस सूत्र है। यहाँ पे लेंस सूत्र V, U और F के बीच का रिलेशन यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये रिलेशन जो आपका दर्पण है उससे कैसा भिन्न है। इन ऑप्टिक्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज वी, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज गिवन बाय अ फॉर्मूला नोन एज द लेंस फॉर्मूला। यानी जब हम प्रकाश की या ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ऑप्टिक्स में जो लेंस फॉर्मूला होता है वो एक रिलेशन है, एक संबंध है। किसके बीच में? यू, वी और एफ के बीच का एक संबंध है। द लेंस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव लेंस। यानी लेंस फॉर्मूला की बात की जाए तो ये अवतल तथा उत्तल लेंस दोनों के लिए होते। प्रकाशिकी में प्रतिबिंब की दूरी वी, वस्तु की दूरी यू और लेंस की फोकल लंबाई एफ के बीच के संबंध को सूत्र द्वारा दिया जाता है, जिसे लेंस सूत्र के रूप में जाना जाता है। लेंस सूत्र उत्तल और अवतल लेंसों के लिए भी लागू होती है। फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या है? 1/V - 1/U = 1/F। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें मिरर फॉर्मूले से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र आपका क्या है? 1/F = 1/V + 1/U। वही हम जब लेंस सूत्र की बात करते हैं तो लेंस सूत्र क्या है आपका? 1/F = 1/V - 1/U। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस आया है वो साइन का आया है, बाकी आपका रिलेशन सेम। ठीक है, तो ये आपका लेंस फॉर्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, यानी लेंस के संयोजन की। यहाँ पर जब हम अलग अलग पावर के लेंस को आपस में संयोजित करते हैं या जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला है P = P1, P2, P3। और यहाँ पर जो P1, P2, P3 है ये अलग अलग लेंस की पावर है। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंस के संयोजन की शक्ति क्या है? P = P1 + P2 + P3। ठीक, मिरर फॉर्मूला जैसे हमने पढ़ लिया है 1/V + 1/U = 1/F है। और अगर हम बात करें दर्पण में लीनियर मैग्निफिकेशन की तो उसका फॉर्मूला है -V/U। तो ये हमने पढ़ लिया था। और कुछ यहाँ पे अब पावर के फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला आपका रह गया था। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है लेंस के केस में, जो पावर होती है, पावर यानी शक्ति, (1/F) होती है। और एफ फोकल लेंथ कितनी होती है? मीटर। तो ये पावर का फॉर्मूला नोट करेंगे से।
अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू व्हाट। एक प्रकाश की किरण है और वो क्या करती है, वो तिरछा पानी में जाती है, यानी जैसे ये पानी है ठीक, और ये इस तरीके से यहाँ पे एंटर करती है। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपसे पूछा गया है कि जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, ये आपका नॉर्मल है, या नॉर्मल से दूर मूव करेगी, और क्यों करेगी ये आपसे पूछा है। हवा में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरण पानी में तिरछी तरह से प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर, और क्यों। अब ये प्रकाश की किरण है, ये जा रही है ठीक, कहां से कहां जा रही है, एयर से वाटर में, ये एयर है, हवा है, और ये वाटर में जा रही है पानी। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि जो एयर है वो क्या है आपका, हवा क्या है आपका, विरल माध्यम, और पानी की बात की जाए पानी कैसा है, सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है, और आपने ये पढ़ा है कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। अब इस केस में जो है विरल से सघन में जा रही, और आपने देखा है जब भी विरल से सघन में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती, नॉर्मल की तरफ बेंड करती। अब बेंडिंग क्यों होती है, क्योंकि दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिक घनत्व दोनों का अलग अलग है, इस कारण यहाँ पे बेंडिंग नजर आती है। ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ठीक, यानी अपतन कोण अपवर्तन कोण ठीक। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा है, द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज ऑफ द लाइट रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। क्या कहा गया है कि जो प्रकाश की किरण है वो नॉर्मल यानी अभिलंब की ओर मुड़ती है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है। प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो क्या करती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्रास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि जो प्रकाश की किरण है वो ग्लास जो है हवा से ग्लास की ओर जाती है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी ग्लास पर कांच पर प्रकाश की किरण की जो चाल है वो कितनी होगी। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर वैक्यूम की बात की जाए तो वैक्यूम में जो है प्रकाश की किरण की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.50 है। कांच में प्रकाश की गति क्या है, निर्वात में प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे। आपको सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, अब लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक म्यू कितना है, 1.50। दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल,
ये आपको यहाँ पे दिया गया है, नोट करेंगे। अब यहाँ पर अगर म्यू की बात की जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए, सी अपॉन वी होता है, म्यू की वैल्यू 1.50 है, 3 है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी है, ठीक है। यहाँ पे वी निकालना है ग्लास में स्पीड, तो वी इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.50, ये हटाएंगे 00 यहाँ पर जाएगा, तो ये आ गया वी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वी की वैल्यू जो आई है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आई है, यानी आप लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नोट करें। तो बच्चों अब आपका अगला प्रश्न है, यू आर गिवन कैरोसीन, टारपेंटाइन एंड वाटर, यानी आपको कैरोसीन यानी मिट्टी का तेल, टारपीन का तेल और पानी दिया गया है। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यानी आपसे पूछा गया कि इनमें से किस में प्रकाश की किरण तेज चलती है। तुम्हें मिट्टी का तेल, टारपीन तथा पानी दिया गया, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता। अब अगर हम तीनों की बात करें तो कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल, उसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है, टारपीन की बात करें तो उसका 1.47 और पानी का 1.33 होता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 है, यानी वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। तो इस प्रकार के माध्यम से जो है, क्योंकि ऑप्टिकली रेयरर होता है, वहां से वहां पे प्रकाश की जो चाल होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी से जो है आपकी जो लाइट है, प्रकाश की किरण है, वो काफी तेजी से पास हो जाती है। अब हम आंसर की बात करते हैं, तो आंसर का है पहला फॉर कैरोसिन, यानी कैरोसिन के लिए मिट्टी तेल के लिए कितना है एन, 1.44, टारपीन या टारपेंटाइन के लिए है 1.47, और पानी की बात की जाए तो उसके लिए है 1.33, बिकॉज वाटर हैज लोएस्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। क्या कहा गया है कि जो पानी है, पानी का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो कैसा है, सबसे कम है। देयरफॉर लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन द ऑप्टिकली रेयरर मीडियम देन कैरोसिन एंड टारपेंटाइन ऑयल। तो वो कह रहे हैं कि इस कारण क्या होता है कि जो आपके प्रकाश की किरण है वो पानी में टारपीन के तेल और मिट्टी के तेल से ज्यादा तेजी से चलती है, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए इस प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम में प्रकाश मिट्टी के तेल और तारपीन के तेल की तुलना में सबसे तेज गति से चलता है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हीरे का अपवर्तनांक आपको दिया गया है 2.42 है, तो इसका मतलब क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका हीरा है, हीरे में जो
प्रकाश की स्पीड होगी वो 2.42 कम होगी किससे, वैक्यूम से। ठीक, बाय सेइंग दिस दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, वी मीन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज लोअर बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 रिलेटिव टू दैट इन वैक्यूम। यह कहने से कि हीरे का क्वार्टनांक 2.42 है और हमारा तात्पर्य है कि हीरे की में प्रकाश की गति निर्वात की तुलना में 2.42 गुना कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, किसी लेंस का एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक डायोप्टर क्षमता क्या होती है। अगर हम क्षमता की बात करें तो क्षमता का जो जो आपका ऐसा यूनिट है वो क्या है, आपकी डायोप्टर है। और जैसे कि आपको पता है कि जो पावर या क्षमता है उसका फॉर्मूला है पी बराबर 1/f किसमें, मीटर। तो पावर कितना है, एक डायोप्टर। ठीक है, तो एक डायोप्टर कब होगा, जब आपकी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक डायोप्टर की, तो एक डायोप्टर क्या होगा, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हूज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकल लंबाई कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, तो ये एक डायोप्टर की क्या है, आपकी परिभाषा। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। आपको जो है कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस की पावर निकालनी है, क्षमता निकालनी है जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस की फोकल लंबाई f दिया गया है 2 मीटर। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, आप जानते हैं नेगेटिव होगी। पावर निकाली है, पावर बराबर होता है 1/f किसमें, मीटर में, 1/-2 यानी -0.5 डायोप्टर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे इसे। तो बच्चों आज हमने जो है आपका जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसे पूरा करा, साथ ही साथ इसके बेस में कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इसे नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।